प्रस्तुति कुछ प्रमुख राष्ट्र खबरों की। देश भर में निर्माण से जुड़े कार्य, कल कारखाने, छोटे व मध्यम उद्योग एवं सभी तरह के कार्य बंद हो जाने से प्रवासी मजदूर, कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट से परेशान ये लोग अपने अपने गांव घर लौट गए हैं। वहीं गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग एवं चतरा जिले से काफी संख्या में मजदूर जीविकोपार्जन के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं। इन लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है कि खेतों में काम कर अनाज पैदा करें और अपना जीविकोपार्जन कर सकें। झारखंड की उपराजधानी दुमका में भी मुस्लिम भाइयों एवं बहनों द्वारा बड़े ही धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में ही रहकर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह पालन किया गया। रामगढ़ में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज, रिम्स ने की पुष्टि। रामगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 10। क्वारंटाइन सेंटर पहुंची दिहाड़ी मजदूरों की समस्या से हुए रूबरू, वहां मनरेगा के तहत दी जाएगी कार्य वीडियो। तालजरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाकुड़ी पंचायत स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का रविवार की संध्या तालजरी प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजी भगत ने ग्राम सेवक मनीष महतो की उपस्थिति में औचक निरीक्षण किया। जमावा सारा के पास माल लदा ट्रक के संतुलन बिगड़ने से ट्रक पलटी, किसी के हताहत की खबर नहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरहरावा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न क्वारंटीन सेंटर में ईद उल फित्र त्योहार को देख झारखंड प्रदेश कांग्रेस सचिव जनाब तनवीर आलम के निर्देशानुसार कांग्रेस साहिबगंज जिला उपाध्यक्ष नाविद अंजुम, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद एजाज, कांग्रेस युवा नेता शकील अहमद अपने सहयोगियों के साथ ईद मुबारक अवसर पर लच्छा सेवई दूध चीनी का प्रबंध करवाया। चंदवा के चकला स्थित बंद पड़े अभिजीत पावर प्लांट में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने का प्रयास जारी, बड़ी क्षति होने का अनुमान। आसपास के गांव में आग की लपटें देखी जा रही हैं। स्थानीय लोग भी काफी संख्या में वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन आग के बढ़ते विकराल रूप को देखकर नजदीक जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता, खबर लिख जाने तक का पता नहीं चल पाया है और न ही आग पर काबू पाया जा सका है। गायत्री शक्तिपीठ बस्ताकोला की ओर से सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। मुख्य अतिथि बने धनबाद मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल। 23 मई को चांद दिखाई देने के कारण लखनऊ मरकजी चांद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नई मोहन मान सिद्दीकी ने पत्र जारी कर 25 मई सोमवार को ईद उल फित्र मनाने की बात कही। जामताड़ा में बिरसा मुंडा बागवानी मिशन किसानों के लिए वरदान, फलने लगे फल। किसान स्वभाव से ही मेहनती होते हैं, यदि किसानों को संसाधन और सुविधा मिल जाए तो वह मिट्टी में फसल रूपी सोना उगा सकता है। कुछ इसी जज्बे के साथ जामताड़ा जिले की पालाजोरी पंचायत के किसान सदानंद यादव ने मेहनत के बदौलत बंजर भूमि में पौधे लगाकर किसानों को प्रेरणा दी। कोरोना वायरस से लड़े, साफ सफाई बरतें, बीमार लोगों से मिलने से पहले परहेज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क लगाकर निकलें, पब्लिक प्लेस पर जाने से परहेज करें, किसी भी वस्तु को छूने से पहले और छूने के बाद सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। आरपी भारत की एक शुरुआत कोरोना वायरस के खिलाफ। बिहार की बहादुर बेटी को राबड़ी देवी ने किया आर्थिक मदद देने का ऐलान। 7 दिन अपने हौसले से मुश्किलों को पराजित कर घायल पिता मोहन पासवान जी को साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बिहार की जांबाज बेटी ज्योति से बात की। सूरत से सवान के लिए चली ट्रेन के छपरा पहुंचने पर गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। यात्री स्टेशन पर ट्रैक पर उतर गए और पथराव करने लगे, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और अन्य कर्मी भी चोटिल हो गए। टिहा में एक व्यक्ति के संदेहास्पद अवस्था में महादलित की मौत, कई दिनों से घर में नहीं बनाता खाना। बस से घर लौट रहे प्रवासियों के बीच समाज सेवी ने बांटी बिस्किट व पानी, प्रवासियों को बिस्किट व पानी का वितरण करते समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह। चौपारण जापा समाज सेवी पूर्व वार्ड सदस्य ने गरीबों को बांटे पूरी सब्जी। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के जापा पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य से समाज सेवी नेक नारायण साहु तथा झारखंड पुलिस के जवान बेंदुवाड़ा निवासी रंजीत कुमार साहु दोनों के सहयोग से पंचायत में सभी क्वारंटीन सेंटर पर बाहर से आए हुए प्रवासी को पूरी सब्जी तो कभी चूड़ा बिस्किट मिक्सचर और गुड़ लोगों के बीच वितरण कर रहे हैं। बाबा बासुकीनाथ धाम में बाहर से कमाने आए दुकानदार कर रहे पलायन। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों की रोजी रोटी भी बंद हो गई, बाड़े के मकान और बाड़े के जमीन पर दुकान करती हैं, किराया कहाँ से चुकाएंगे। इनका कहना है कि अगर लॉकडाउन खुलती है और शामनी मेला लगता है तो हम पुनः आएंगे। लॉकडाउन में बड़ी चोरी की वारदात है, पुलिस के लिए बनी चुनौती। काटीकुंड थाना से महज 100 फीट की दूरी में स्थित काली मंदिर के शमशान घाट के सोलर ड्रिंकिंग वाटर के सोलर प्लेट को रविवार रात को चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। पाकुड़ में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले, संपर्क में आए लोगों की गई शिनाख्त। पाकुड़ में 4 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सभी गुजरात के सूरत से पाकुड़ पहुंचे थे, स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ।
झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए आरपी भारत को और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। आरपी भारत, जहां पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।